पंजाब दे विच आके क्यों लाइए, असीं गंदे बयान क्यों देईए, असीं क्यों कहीए भी सिख कौम 2% है, असीं क्यों सिख कौम दे उत्ते गुरुआं दे उत्ते प्रश्न चिन्ह लाइए, यह भी तो माड़ी गल है। सिख धर्म तो दुनिया च सब तो उच्चा है, कौन सिख धर्म की इज्जत नहीं करता, हरिमंदर साहब एक है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या नमस्तक नहीं करते, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, गुरु गोबिंद सिंह महाराज उन्होंने साहबजादे मानवता की रक्षा करने उन्होंने शहादत किहदे लई दित्तियां सी, मानसा च पहली गल तो बनू ना, जिदन नहीं रखी जाएगी बिटे की लाश तो नहीं रखी जाएगी, उहदी कोई मेरे नाल कठ नहीं होएगा, कोई पबलिसिटी नहीं होएगी, मैं ऐलान करके जा रहा पहली बारी उत्थे बैठू, मेरा जीवन आखिरी का सह जो बंबा का बोनस का हिस्सा है, पहला भी मैं ऐलान किया अज भी करता उत्थे जाएगा, मैनू किसी की लोड़ नहीं, गुरु महाराज की कृपा की लोड़ है जिन्हां दे आशीर्वाद नाल लड़ाई लड़ी। सियासी तौर पर बहुत सारे जिहड़े आगू ने वो ये दावा करने कि अजे हालात पंजाब दे विच बन रहे हैं, तो उन्होंने हालातों अपनी अखी वेख्या है, अज साडी खास शख्सियत ने साडे स्टूडियो दे विच मौजूद ने वरिंदरजीत सिंह बिट्टा जी, बहुत बहुत स्वागत है बिट्टा साहब। तो बिट्टा जी ऑल इंडिया एंटी टैररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन ने, इस तो अलावा सबका चेयरमैन रहे यूथ कांग्रेस के, तो उस दौर का उन्होंने अपनी अखी वेख्या है, तो इस नाल गलबात जी उस तो उत्ते शुरू करांगे। बिट्टा जी सब तो सवाल मेरा यह है कि बॉर्डर के उत्ते बड़ी सारिया गतिविधियां अजकल हो रही ने, फिरोजपुर के ही बीती कल जो वड्डी मात्रा च हथियार बरामद होए हैं, आए दिन ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन के जरिए हथियार ते नशा भेजा जा रहा है, सरहद ते जिहड़ी गतिविधि हो रही है तुसीं किवें देखदे हो इसनूं? देखो अज तो साल दो साल पहलों इहो जिहियां गतिविधियां नहीं सीगियां, ये ड्रोन एक पाकिस्तान वालों इहो जिहा एक हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है जिदे ते मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एरिया 600-700 किलोमीटर का एरिया और जम्मू कश्मीर च भी हो रहा है, और पाकिस्तान ISI जिहड़ी जम्मू कश्मीर दे विच फेल हुई है 370 धारा तो बाद टैररिज्म दे विच बड़ी वड्डी कमी आई है, उन्होंने एक पंजाब नूं सॉफ्ट टारगेट बनाउण दी कोशिश की है, जिहड़ा नारको टैररिज्म हथियार रॉकेट लंचर RDX ये जिहड़ा बड़ी तेजी नाल आ रहा है, ये पूरे पंजाब दे नहीं पूरे देश दे विच बड़ी वड्डी खतरे की घंटी है, क्योंकि पिछले करनाल दे विच काफ़ी RDX फड़िया गया, 3 टैररिस्ट फड़े गए, वो हथियार वो RDX आंध्र प्रदेश जाना सी, वो नदेड़ साहब जाना सी, वो दिल्ली जाना सी, वो बॉम्बे जाना सी, वो कई जगह पर जाना सी, जिहड़ा मूसेवाल का कतल होया तुसी देखिया होएगा कि गैंगस्टर और टैररिस्ट हुण एक बड़ा वड्डा नैटवर्क बन गया, कैनेडा अमेरिका इन्हों के संपर्क इधरों ISI वो जो गैंगस्टर और टैररिस्ट जो लिंक से को पुणे तो फड़िया गया, गुजरात तो फड़िया गया, को बॉम्बे तो फड़िया गया, ये चीज़ा पहला नहीं सी, असी एक दूजे ते इल्जाम तो बड़ी जल्दी ला दें और असी पोलिटिकल लोग मौके की हमेशा तलाश च रहने हैं, हालात कितने कितने खराब होण पूरे देश च होण पंजाब च होण या दिल्ली च होण या कितने होण, असी उस तलाश च रहने भी असी मौके की तलाश च रहने भी असी हुण एक दूजे ते वार किवें करिए, पर असी ये चीज़ां नूं भुल जांदे, ये साडा सारिआं दा कर्तव्य है, साडा फर्ज है, जिस तरह पंजाब टैररिज्म रहा इन्ने साल 36,000 लोगों का कतलेआम होया, 19,000 हिंदू भरावां का कतलेआम होया, ठीक किवें होया कभी सोचिआ, ये ठीक होना नहीं सी, जिहदे विच हिंदू भी मुसलमान भी सिख भी ईसाई भी सब की शहादत हुई, कांग्रेस BJP CPM CPI अकाली दल का हिस्सा जो एक टेबल पर बैठ के सारे ने फैसला कर लिया भी असी अमन शांति लियाना है, असी भैणा के सुहाग उजड़न नहीं देने, असी बच्चों नूं यतीम नहीं होण देना, खून दी नदियां बहन नहीं देनियां, असी पंजाब दे विच वोट सत्ता की राजनीति नहीं करनी, एक साल के टैररिज्म पंजाब च ठीक होया कि अज पोलिटिकल पार्टियां उस मोड़ ते खड़िया ने कि पंजाब की अमन शांति जिहड़ी धरती राजनीतिक लोगों दी गलतियां दे नाल लहू लुहान करन वाले कौन सी, असी पॉलिटिशियन सी, असी गंदी राजनीति कीती ते पंजाब दी धरती लहू लुहान हुई कि राजनीति करके तो देखो हर बुराई की जड़ अगर अज आप देखिए चंगियाई भी राजनीतिक लोग ठीक करते ने ते बुराई भी राजनीतिक लोग जिम्मेदार ने, पंजाब च टैररिज्म क्यों आया, असी राजनीतिक लोग जिम्मेदार, असी बचपन च सब कुछ देखिया, असी किन्ने तैयार किए टैररिस्ट हथियार क्यों गए हरिमंदर साहब, असी क्यों इहो फैसले किए, असी क्यों इहो जे लोगों नूं शेल्टर दित्ती, असी क्यों गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां दे विच दखलअंदाजियां कीतियां भी सदा राज करांगे, गल तां इन्नी सी भी सदा राज करांगे,
अकाली दल नूं चुके परे मारांगे, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते अपना कब्जा कर लांगे। करदे करदे ना कब्जा होया, 36,000 लोग चले गए, खून दीआं नदियां बह गईआं, जवानी तबाह हो गई। अज नौजवान सारे पंजाबों बाहर विदेशों नूं चले गए, अगे फिर जाण दी तैयारी, पिंडां दे पिंड खाली हो गए, बाकी नारको टैरर उही दखलंदाजी अज वी हो रही है सिख संस्थावां दे विच। देखो मैं एक गल दसा, मैनूं दुख आउंदा, मैं पॉलिटिक्स नहीं की, मैं जो भी किया मैं सेवा दे रूप च काम किया। जे मैं राजनीति दे विच हुंदा, एक्टिव हुंदा, ते शायद मेरे विचार तुहाडे अगे सवालां दे जवाब होर हुंदे, एक दूजे नूं बुरा भला कहिंदा। असी 40 सालां दे विच असी की सबक सिखिया? 36,000 लोग, 36,000 लोगों के शहीद होने तो बाद, बार बार कहांगा, 19,000 हिंदू भरावां का कतलेआम होने तो बाद, पंजाब की धरती उजड़न तो बाद, पंजाब दीआं खून दीआं नदियां वधन तो बाद, पंजाब की जवानी नूं बर्बाद करन तो बाद, पंजाब ते नारको टैरिज्म आउण तो बाद, असी पंजाब दे पॉलिटिशियनां ने की सबक सिखिया? असी समाज दे आदर्श हाँ, सानू देख के लोग चंगा रस्ता अपनाउंदे ने। पंजाब च पहला भी तो पॉलिटिशियन सी, दखलअंदाजी की सिखां दे मसलियां दे विच ते ओह हालात पैदा होए कि अज वी ओह दखलअंदाजी हो रही है। ताजा उदाहरण है SIPC प्रधान की चोण नूं लैके लगातार इल्जाम लग रहा है कि सेंटर की गवर्नमेंट दखलअंदाजी कर रही है, सिखां दा मसला है उहदे विच दखलअंदाजी हो रही है। देखो मैं मेरा एक जिंदगी का अनुभव है, मेरा जिहड़ी रहायश है बिल्कुल हरिमंदर साहब दे लागे, मैं हर चीज़ अपनी अखां नाल देखी है। इस वेले जिहड़ी पंजाब दा माहौल है, सानू हर जिम्मेदार व्यक्ति नूं किसी भी पोलिटिकल पार्टी दा होवे, वह पंजाब दे जिहड़े पुराने इतिहासां दे खून दे पन्नियां दे इतिहासां नूं तुसीं खोले है, उहदी गल कीती है, उहनूं देखदिआं होइआं, उहनूं शहादतां नूं देखदिआं होइआं, सानू सारिआं नूं मिलजुल के काम करना चाहिए है। सानू गुरु महाराज दी सोच 'च चलना चाहिए है। सानू राजनीति ओह जी करिए जिहड़ी पंजाब दा विकास करे, पंजाब दी डिवेलपमेंट करे, पंजाब नूं सिक्खी नूं प्रफुल्लत करे। पंजाब दी सिक्खी जिहड़ी प्रफुल्लत है वह सिर्फ सिक्खां लई नहीं, पंजाब दी सिक्खी पूरी दुनिया दे विच मन्नी जांदी है। है असीं 2% है, असीं 3 करोड़ है, असीं 4 करोड़, पर सानू पूरी दुनिया नमस्तक करदी है। सानू कुछ जिहड़े सज्जण बेली ने सारे साडे पॉलिटिशियन सब नूं मिल के हाथ जोड़ के एक इहो जिहा रस्ता अपनाउणा चाहीदा, उन्हां शहीदां नूं याद करदे होए, ते जिहड़े मुकाबलियां 'च गए, जिहड़े होर गए, वह भी किसी मावां दे पुत सी, वह क्यों बने, उन्होंने क्यों AK-47 फड़ी, उन्होंने गर्म भाषण ने जिहड़े अज गर्म भाषण ने, गर्म भाषण ने उन्हां नूं AK-47 पकड़ा के वह मावां दे लाल भी गए, ते उन्हां दे उत्थों बेगुनाह दा कतलेआम भी होया। ते उन्हां दा जिक्र हुंदा है ते उस उन्हां गल्लां दा जिक्र करदे आ कि पंजाब दे हक्कां दी असीं गल करदे सी, पंजाब दे पाणी दी असीं गल करदे आ, पंजाबी बोलदे इलाके दी गल करदे आ, चंडीगढ़ दी असीं गल करदे आ। मौजूदा दौर दे विच कहा जा रिहा BBMB दे विच पंजाब दी हिस्सेदारी सी ओह खत्म कीती जांदी है, भाखड़ा डैम जिहड़ा सी उत्थे सिक्योरिटी उत्थे, इह तमाम गल्लां ने जिहनां नूं लैके कहा जांदा है कि जिहड़े पंजाब दे जिहड़े हक ने उन्हां दी कोई गल नहीं। मैं इक गल तुहानूं बिल्कुल, तुसीं बहुत सोहने सवालों ने जवाब दिए कि 40 साल असी चंडीगढ़ ले लिया, कि 40 साल असी खालिस्तान बना लिया, कि 40 साल असी होर मसले हल कर ले। पहली गल तो एक है कि सिख समाज की इज्जत कितने नहीं, पूरी दुनिया च सिख समाज की इज्जत है। जे आप पंजाबी के हकों की गल करते तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी 10 साल प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, कि जगजीत सिंह अरोड़ा जी की आर्मी के चीफ नहीं रहे, हीरो सी 71 की जंग लड़ी, कि अर्जन सिंह एयर मार्शल कि हिंदुस्तान के हीरो नहीं रहे, कि उन्होंने उन्होंने पूरा जो दुश्मन से उन्होंने दम नहीं किया नक्क दे विच, कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस कुलदीप सिंह नहीं रहे, कि खैरा साहब नहीं रहे, कि जे सिंह आर्मी चीफ नहीं रहे, कि बिक्रम सिंह आर्मी चीफ नहीं रहे, कि धरोआ जी जिन्होंने बालाकोट का ऑपरेशन किया वह नहीं रहे, कि ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति नहीं रहे। बेटा एक गल यह नहीं है कि सिखां नूं जिहड़ी थावां नहीं मिलिया, वख-वख थावां दे उत्ते अहुदे नहीं मिले, गल पंजाब दे मसलियां दी हो रही है। असीं जिहड़ा जिक्र कर रहे हां कि जिहड़े जिहड़े लोग अज वी जिहड़े सवाल चुक रहे ने, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਏ ਗਈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਭਾਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸੇਫ ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵਾਰਦਾਤ, ਕਿਤੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਲੁਟੇਰੇ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ,
कि यह चाहते हैं चंडीगढ़ पंजाब नूं दे के उत्थों दी जवानी भी बर्बाद कर लीए, उत्थों दे बच्चे भी विदेशों नूं भेज दीए। मावां दे लाल पंजाब दे अपने बच्चों नूं डरदे कनेडा अमरीका च भेजी जाते हैं, दो दो एकड़ जमीना वेच के तुसी आ चले जाओ कपूरथला दे कोल, जलंधर दे कोल, नवें शहर दे कोल, पिंडां दे पिंड खाली हो गए सातों डरदे। असी नारको टैरिज्म नूं कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर पना पंजाब दे हालात खराब हो रहे। पाकिस्तान आईएसआई वालों ड्रोन दे जरिए हथियार आ रहे, साढ़े मुद्दे कितने हथियार ना चुकन, पंजाब दी जवानी पंजाब दे चंडीगढ़ रहिंदे ने। जे असी नारको टैरिज्म दी गल कर रहे, नशे दी गल कर रहे, तो उहदे लई जिम्मेवार कौन है? सूबे दी सरकार, सेंटर गवर्नमेंट? मौजूदा समय तां वी कह रहा बॉर्डर दे उत्ते 50 किलोमीटर दा एरिया बीएसएफ नूं दित्ता। देखो जी मेरी गल सुणो, हर चीज आपां सरकारां ते जिम्मेवारी पा दिंदे आ, सरकारां आउणियां सरकारां चली जाणियां, पॉलिटिशियन की जिम्मेदारी की है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी की है। असी भी तो सोशल वर्कर हाँ, असी तो पूरे बॉर्डर से जाने, कभी गुरदासपुर जाना, कभी जैसलमेर जाना, कभी बीकानेर जाना, उतों के बॉर्डर के लोग की करते ऑर्गेनाइजेशन बनिया ने, वो अपनिया सरहदा से निगाह रखते हैं, और हिंदू भी मुसलमान भी सिख भी ईसाई भी उस सारे कट्ठे होकर बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं, कितने बाहर का बंदा तो नहीं आया। मैंने दसो पंजाब दे विच राजस्थान सब जगह से करते, पंजाब च किहड़ा बॉर्डर नहीं रखिया करता, दसो मैनू। असी गंदी पॉलिटिक्स ने असी पंजाब नूं तबाही दे रस्ते वल ले जा रहे हैं, असी पंजाब दे हकां की गल करते, जे जिहड़े जिहड़ा पंजाब नूं मिलिया वह तो असी सांभ ही नहीं सके, कितने सामने तुम दसो। रोज नवे तो नवे अंदोलन, रोज नवी तो नवी गल, एदा जहा पंजाब रह गया। कितने काबुल कंधार तक पंजाब सी, कितने लाहौर तक पंजाब सी, कितने राजस्थान तक पंजाब सी, कितने दिल्ली साढ़े कोल सी, कितने साडा हरियाणा साढ़े कोल सी, कितने छोटा होया पंजाब, पंजाब पंजाब जी छोटा होया तो वह किसने किया? राजनीति ने किया है, गंदी राजनीति ने, गंदी राजनीति। पंजाबी सूबा की, पंजाबी सूबा ले लिया की, पंजाबी सूबा ने तुम देता, तुम चंडीगढ़ भी गुआ बैठे, तुम हरियाणा भी गुआ बैठे, तुम राजस्थान भी गुआ बैठे, उहदा कोई हिस्सा भी गुआ बैठे, तुम हिमाचल भी गुआ बैठे, तुम जम्मू कश्मीर का लगता हिस्सा भी गुआ बैठे, तो नाले पंजाब की जवानी भी बर्बाद होगी, 36,000 लोगों का वो जिहड़ा सी वह तो तुम गुआ बैठे। आओ अज चलिए आप मेरे नाल चलो, इंटरव्यू तो बाद हरियाणे नूं निकलदे आ, हिमाचल नूं निकलदे आ, कितने ना जाओ सर्किट हाउस देख लो, उन्होंने दफ्तर देख लो, उन्होंने खुशहाली देख लो, असं कितने रोंदे फिरते हैं। तुम कह रहे हो कि बहुत सारे लोग जो भड़काऊ बयानबाजी 80 के दौर में लैके जो कर रहे हैं, मुड़ तो नौजवानों सलाह लैके जा रहे। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार का बीते दिन एक बयान आता, वो कहते हैं कि जे हिंदू राष्ट्र की गल हो सकती है इस देश के जोड़े लोग हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, वक् वक् व्डिया जथेबंदियों संबंध रखते हैं, तो फिर कहते हैं फिर जो जो बंद खालिस्तान की गल करते गलत कितने? मैं एक गल दसा जी, जिहड़े हिंदू राष्ट्र की गल करते हैं वो कित्थे गल करते, उन्होंने कई निशाने वो जानण, असी उन्होंने निशाने च क्यों आने जी? सिख धर्म तो दुनिया च सब तो उच्चा, कौन सिख धर्म की इज्जत नहीं करता? हरिमंदर साहब है क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई क्या नमस्तक नहीं करते? क्या लखां दी भीड़ नहीं उत्थे दर्शन करन आउंदी? असी एवें पंगे विच विच लई जांदे अपने, असी 3 करोड़ 4 करोड़ा, दुनिया सानू इज्जत करती है, दुनिया के माण सन्मान सानू मिलता है, असी एवें किसी के पंगे च फसी, सानू किसी ने कहा वी सिख धर्म हिंदुआं तो अलग है जां सिख धर्म हिंदुस्तान तो अलग है? गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर कल का दिन शहादत का चाम पीता हिंदुस्तान नहीं किया, हिंदू समाज नहीं किया, साहबजादियां ने कुरबानी दी, आ दिन कुरबानियां शहादतां दे दिन ने, असी एवें पंगे ले जाने, सानू तो आके नमस्तक करते हैं लोग, अकाल तख्त साहब के अगे आके कौन सिर नहीं झुकाउंदा जी? मैंने तुसीं दसो, गल आ भी असी रोज मुद्दे नूं लभदे आ, सानू तो रोज मुद्दे चाहिए आ पब्लिसिटी लई, सोशल और जथेदार जथेदार वर्गी शख्सियत दा इस तरीके दा बयान देना तुहानूं लगदा उहदा यही जिहड़ा मैं बयान दा जिक्र कीता, जथेदार अकाल तख्त वर्गी शख्सियत जदों अजिहा बयान दिंदी आ तां उहदा की प्रभाव जांदा? देखो जी अकाल तख्त दे जथेदार साडे सुप्रीम ने, है ना, किसी वेले इन्हां दे बयान इहो जिहे आउंदे ने, असी जिहड़ी मेरी समझ है मैं उहनां नूं कोई टिप्पा टिप्पणी मैं उहनां ते नहीं करदा। हाँ अकाल तख्त साहब दे जथेदार तों इलावा किसी का स्टेटमेंट हुंदा तो मैं जरूर जवाब, साड़ी सुप्रीम ताकत है, साड़ा पार्लीमेंट है, पर मैं ये जरूर कहांगा अकाल तख्त के जथेदार साहब साढ़े जड़े ने सानू को इहोजियां स्टेटमेंटा देनिया चाहीदियां जिते साड़ी सिख कौम उजागर होवे, साड़ी सिख कौम दा मान सन्मान जिहड़ा बणिया उहदी इज्जत होवे। अमृतपाल सिंह अजकल काफ़ी चर्चा च है पंजाब दे विच, उहनां दीआं गतिविधियां नूं तुसीं किवें देख रहे हो? अमृत छकाउणा, गुरु महाराज की सिक्खी नूं प्रफुल्लित करना, ये बहुत चंगा काम है, अच्छा कर्म है, नौजवानों नूं चंगे पासे लाउणा, पर यह बयान देना को हिंदू समाज तो को समान ना खरीदे, उन्हां दे
कौम के उत्ते उन्होंने जनई के उत्ते गलत गल करना यूपी बिहार की गल करना मैं अमृतपाल नूं पुछना चाहुंदा पंजाब दे हिंदू ने किसी का की बिगाड़िया पंजाब दा हिंदू सिख दा पूरे देश दा जिहड़ा रिश्ता है ते रोटी बेटी दा रिश्ता है ये तो नौ मास दा रिश्ता है ते जिहड़े पंजाब तो बाहर सिख ने हिंदुस्तान दे विच जिहड़े एडे एडे वड्डे कारोबार करदे ने यूपी च करदे ने बॉम्बे करदे ने अहमदाबाद करदे ने पूरी दुनिया च करदे ने तुसीं दसो कल नूं उत्थों दे लोक इह कहण सिखां तों कुछ ना लओ ते सानूं तकलीफ नहीं होएगी ये बयान दे के फिर कहना असीं इहनां नूं इत्थों भजाउणा है ते फिर आपां गल्लां करनियां ने अमृत छकाउण दीआं कि इह उही दौर वाले पासे अमृतपाल लैके जिहड़ा जिहड़ा पहलां वी भड़काऊ बयान दिंदे सी साढ़े चार बंदे छड़ दिओ ना छड़े ते असीं 35 हिंदू मार देंगे हरिमंदर साहब तो ऐलान कीता सी कि उह रस्ते ते फिर असीं चलना चाहुंदे आ अज असीं अमृत छकावांगे लोगों नूं भावक करांगे ते फिर जदों भीड़ जुट गई भावक हो गए नौजवान मुंडे मावां दे लाल भावक हो गए जिदा पहले AK-47 फड़ा के मावां दे लाल तुसी मरवाते सी कि तुसी फिर वो काम करोगे ये पुछना चाहुंदा हुण ढड्डरियां वाला साहब ने मैं उन्हां नूं कदी मिलिया नहीं वो भी तो अमृत छकाउंदे ने अतिंदर पाल जी ने प्रवचनकारी किड्डी सोहणी बाणी करदे ने किन्ने कीर्तन सोहणे करदे ने सवाल चुकते जो पंजाब के हकों की गल नहीं करते पंजाब के विरोध खड़े पहले तू मेरे गल करना बहस करना मैं पंजाब के हकों की नहीं गल करते मेरे बहस करना 36,000 बेगुनाह का जो कतलेआम किया खालिस्तान के नाम के उ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਉਜਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਕੀਤਾ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਆਇਆ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਪਰ ਕਰੇ ਆਪ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਕ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪ ਸੰਧੂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਨਹੀਂ दाढ़ी कट्टी वाल कट्टे दाढ़ी रंगी वाल रंगे वैलेंडे साडे किहड़े गुरु ग्रंथ साहब च लिखा जी असी वैलेंडे मनाउणा है वैलेंडे मना के तो दिल्ली तो आ रहे हैं तो वह जो उहदा इकट्ठ हुंदा है खालिस्तान जिंदाबाद गीता ज्ञान बुलाना होगा खालिस्तान बनाना होगा उहदे ते तां कोई सवाल नहीं करदा मैनूं तां दसो उह तां गतिविधियां दा भी जिक्र करदे आ डेरे वाले साध दा जिक्र हुंदा है कि मानसा दे विच दुबारा तों डेरा खोलण दी कोशिश किहड़ा डेरे वाले साध का जिक्र आता है कि उन्होंने पता उन्होंने गतिविधियां की सी के बावजूद इस दे उस तरीके उन्होंने पैरोल भी बड़ी आसानी नाल मिल जाती है मानसा दे विच साध ना करो लुच्चा सौदा कहो लुच्चा सौदा उन्होंने मैं कहना ये मेरा नाम पाया लुच्चा सौदा उसके खिलाफ सब तो पहले मैं लड़ाई लड़ी ये सारे वोटां दी खातर चुप कर गए सब तो पहले सिरसे जाके मैं जाके उत्थे वड्डे वड्डे इकट्ठ किए उस तो बाद गए ढड्डरियां वाल साहब जिन्होंने लखां दे इकट्ठ किए हुण मैनूं तुसीं गल दसो जी ऐडा खतरनाक आदमी गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पोशाक पा के उन्हें अपमान किया पांच प्यारे सजाए सब तो पहले आप लड़ाई लड़ी हुण उन्हूं परोल हो जाए अग लग गई पूरे चंडीगढ़ च अग लग गई पूरे पंचकूला दे विच इह किते ना किते गद्दी राजनीति नाल दित्ती नतीजा हुण उन्हें कहा बई मानसा दे कोल डेरा बनेगा मैं एक गल दा अज ऐलान करके जाना जबान वाला बंदा जो मर्जी जिन्हें कहना कहे जिदन डेरा बनू मानसा च पहली गल तो बनू ना जिदन नहीं रखी जाएगी बिटे की लाश से नहीं रखी जाएगी कोई मेरे ना कट नहीं होएगा कोई पब्लिसिटी नहीं होएगी मैं ऐलान करके जा रहा पहली बारी उत्थे बैठू मेरा जीवन आखिरी का सह जो बंबा का बोनस का हिस्सा है पहला भी मैं ऐलान किया अज भी करदा उत्थे जाएगा मैनू किसी की लोड़ नहीं गुरु महाराज की कृपा की लोड़ है जिन्हां दे आशीर्वाद नाल लड़ाई लड़ी डेरा उत्थे पंजाब की धरती से बिल्कुल नहीं बन सकता और मैं कहना चाहुंदा सरकारां नूं चाहे सेंटर गवर्नमेंट होवे चाहे स्टेट गवर्नमेंट होवे पहलियां नूं भी कहिंदा सी रब दा वास्ता जे एक लुच्चा सौदा ते एक निरंकारियां दे डेरे जिथों साडे पंजाब दी अग लगी सी हरगोबिंद दे किलों जिथों गोलियां चलियां सी मैं रब दा वास्ता जिहड़ा मेरी जिंदगी दा अनुभव है इन्हां नूं भी प्यार नाल कह दिओ वी तुसीं पंजाब च अपनी गतिविधियां ना रखो ते इह सवाल तो उठदा है दो चीज़ां दा मैं जिक्र करूंगा जिवें कहा कि सिखां दे विच इह भावना जांदी है बहुत सारे जिहड़े सवाल चुकदे है कि हमेशा अजिहियां गतिविधियां कीतियां जांदियां जिन्हां सिखां दीआं भावनां नूं ठेस पाउंदी है डेरे वाले दा असीं जिक्र कर रहे हां साध दा उह बेअदबी दे विच उहदा नाम आ रहा है बावजूद इस दे वार वार पैरोल मिल रही है उस नूं उह बाहर आ के पैरोल दे उत्ते आ के अपने प्रचार भी कर रहा है दूजी जिहड़ी घटना बीते दिनां च ताज़ा घटना जिहड़ी हुई है
एक पासे बंदी सिंघां दी रिहाई दी मांग हो रही है, दूजे पासे राजीव गांधी दे जिहड़े कातल सी उन्हां नूं रिहा कर दित्ता गया। सो उह कंपैरिजन करदे ने कि देखो एक तां जिहड़ा बेदबी शामिल शख्स है। मैं गल्लां दा जवाब देना, मैं वी उहदा विक्टिम हां। दविंदर पाल भुल्लर ने मेरे ते दिल्ली बलात्कार कीता है, 35 लोग शहीद होए, 80 दे करीब जख्मी होए, और जर्मनी तो पुलिस उहनूं फड़ के लियाई, किसी ने अमेरिका तो फड़ के लियाई लाहौरीए नूं। तुसीं मैनूं दसो जी, मैं की कसूर कीता सी जी? मैं मानवता की रक्षा की थी जी, मैं किसी मारिया नहीं सी, मैं किसी का मुकाबला नहीं कराया थी। मैं किसी ने, मैं अपनी गल करता, मैं किसी ने केस नहीं रजिस्टर कराया थी। क्यों मारिया जी? मैं किया भी अपना खून हजारा नौजवानों से मैं कढ़ कढ़ के जिहड़े लोगों को जख्मी करते थे उन्होंने बचाने लिए, अज तक मेरे को सर्टिफिकेट रिकॉर्ड है, इनाम मिले ने मैनू, मैं लोगों को खून देता रहा। भाई कन्हैया जी की सोचते साडा की कसूर थी? वह बंदी सिख हो गए, मौते सुधाकर क्यों नहीं कहते? वह बंदी सिख हो गए? ठीक है, थोड़ी गल मैं कह रहा, वह कंपैरिजन कर रहा, कंपैरिजन कर रहा। एक पासे राजीव प्रधानमंत्री समाया सी जिन्हां लोकां ने वह रिहा कर दित्ता। मैं कह रही सुप्रीम कोर्ट नूं पुछा ना, सवाल है 36,000 लोगों नूं मारन तों बाद तुसीं पंजाब दे अंदर 19,000 विच हिंदू भरावां दा कतलेआम करन तों बाद तुसीं कह रहे जी बंदी सिख ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 36,000 ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? 36,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚ ਗਏ 36,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਤਰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਤਰਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕਾਤਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ 29 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਚ ਬਲਾਤ ਕੀਤਾ 29 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 36,000 ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਰਚੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਕਹੋਗੇ ਜਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਨਵਾਇੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਨਵਾਇੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਫੰਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, 36,000 ਬੇਗੁਨਾਹ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਤਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ? ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਲਈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ, ਸਿੱਖ ਵੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਲਈ। ਅਕਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਿੰਦੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਮਾਰਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਭਾਜੀ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕੀ ਦੀ ਹੈ? ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ MS ਬਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 12-14 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਗੰਦੇ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 2% ਹੈ?
असि क्यों सिख कौम के उत्ते गुरुआ के उत्ते प्रश्न चल लाइए, यह भी तो माड़ी गल है। अमृतपाल कला क्यों? मैं भी शामिल करो जे साडे बयानां नाल साडे अपने मुफाद लई साडे अपने मतलब लई जे अग लगदी होवे कोई कौम होवे को मजहब होवे चुके उन्हां दे ऐसा परचा दर्ज करो ऐसा कानून पंजाब च बनाओ। ये सब तो वड्डा बंब है साडी जबान सब तो वड्डा बंब है पंजाब दे विच। इहदे लई पंजाब सेंटर सरकार नूं एक कानून बनाउणा चाहीदा। मैं रोक रहा थोड़ा समा कट है। एक पंजाब दे विच अजकल गन कल्चर नूं लैके बड़ी सख्ती सरकार ने कीती हुई है, हथियार जिहड़े ने रोके जाने कि जिहड़े लोक नुमाइश कर रहे ने, तुहानूं लगदा है कि इहदे नाल जिहड़ी उह पंजाब दे विच तस्वीरां लगातार असीं वेखदे हां कि नौजवान विवाहां दे विच फायर हुंदे ने, इह सख्ती सही है? तुहानूं लगदा है कि सही कदम है, इहदे नाल कंट्रोल होएगी इह चीज़? देखो मैं जिन्ना पंजाब नूं गन कल्चर दिखाया जा रहा है इतिहास पहला होया करते थे, पहला को बड़े बड़े जिमीदार से योधे से हजारा सिंह गिल वर्गे से बंदूक लैके चलते थे, पुराने इतिहास दल असं बड़े उदों देखे ने। उदो खुशहाली भी पंजाब बड़ी थी, हूँ तो पंजाब रहा कुछ नहीं। सानू एक गन कल्चर तो दूर होके बच्चों अमृत छकाना चाहिए, बच्चों एक चंगी सोच देनी चाहिए। बच्चे जिहड़े विदेशों च भज रहे ने माँ बाप तो उन्होंने इत्थे सानू पंजाब दे विच डिवेलपमेंट करके उन्हां दीआं नौकरियां दे होर उन्हां दे प्रबंध करने चाहिए ने। सो सारियां पोलीटिकल पार्टियों नूं एक मंच ते इकट्ठा होना चाहिए। शुक्रिया बेटा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा साडे नाल गलबात करने लई।